गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम मोल कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं और बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में यहाँ तक कर चुके हो और जिनका लाइव क्लासेस छोड़ दिया है तो उनके लिए क्या है कि हम एक दो दिन में बैकअप्स के आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसे देख सकते हैं, आपके प्ले लिस्ट में मिलेगा। और अगर देखना चाहे तो आपको चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के बाकी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आज हम मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जिसे हमने बोला था कि वो होगा पीवी इक्वल टू, सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज या फिर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम लोग जानते हैं। आज हम लोग इसी इक्वेशन पे आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से इसका फर्दर किसी और रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये जो एन टर्म है जिसे बोल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स या एन जो हो सकता है वो किसी गिवन सैंपल के लिए वेट डिवाइडेड बाय मोलर रेट, ठीक है। अगर किसी सैंपल के लिए, किसी गैस के लिए आप काम कर रहे हो तो मोल्स आप बोल सकते हो उसका वेट डिवाइडेड बाय मोलर, ठीक है। और अगर हम लोग ये चीज समझते हैं कि ये मोल को हम इस तरह से रिप्लेस कर सके तो आप देखिए कि इक्वेशन किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं कि PV इक्वल टू W अपॉन M R, यहां पर एम की वैल्यूज जो डब्ल्यू बाई एम थी उसे हमने इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन के एक करेक्शन कर रहे हैं, पी एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी, शायद यहां पर कोई समस्या नहीं होगा कि ये कैसे इक्वेशन को किया, तो एम को ऊपर कर दिया और वी को नीचे, क्यों किया गया है उसे हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। हम ये टर्म जो डेवलप किए हैं जो W by V है तो वो हम देख रहे साइड से कि ये है क्या, तो W by V मतलब वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक, कोई भी समस्या हो गई तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि क्या है। W by V जो वेट बाय वॉल्यूम है और जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस नाम से, डेंसिटी, ठीक है। ये W by V वेट अपॉन वॉल्यूम जिसे हम बोल रहे हैं कि ये डेंसिटी हो सकता है, मतलब कि स्मॉल d, ठीक है। और अब हमारा आइडियल गैस इक्वेशन जो कि PV इक्वल टू n RT से शुरू हुआ था, इस पार्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं, अंडरस्टूड, इस पार्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं d से, तो लिख लेते हैं PM इक्वल टू DRT, और ये बोल सकते हैं कि ये इंप्रूव्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो PV इक्वल टू NRT से शुरू हुआ था, अब हम उसे इंप्रूव कर रहे हैं और इंप्रूव करके PM इक्वल टू DRT में चेंज, ठीक है। और इस इक्वेशन का क्या फायदा होगा उसे हम किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन इस तरह से यहां तक कैसे है। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से यह एक स्टैंडर्ड आइडियल गैस इक्वेशन था, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसी तरह से हम जो करेक्शन करके इस इक्वेशन को लेके आए यह भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। हमें लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगा और हम इसके आगे नोट कर लीजिएगा ताकि हमें कोई समस्या ना हो और उसके बाद आगे नोट करने में ज्यादा समय ना लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट रिवाइज कर लें कि कहां से हमने शुरू किया था। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, N मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम बोल रहे हैं कि वो वेट अपॉन मोलर वेट के बराबर होगा, और इस टर्म को जो N था उसके टर्म को रिप्लेस कर दिए W by M से, तो लिख सकते हैं PV equal to W by M RT,
और वहां पर इस v को नीचे और m को ऊपर कर दिए तो p इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी, और डब्ल्यू बाई वी जो ये टर्म है मतलब कि वेट वाई वॉल्यूम जो बता रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये डेंसिटी होगा और उसे d से रिप्रेजेंट करें। इस d को रिप्लेस कर रहे हैं डब्ल्यू बाई वी के जगह पर, तो अब इक्वेशन को नए फॉर्म में लिख दिए पी वी एम इक्वल टू डी आर टी, और यह भी किसी भी आइडियल गैस के लिए किसी भी कंडीशन पर एक वैलिड स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, समझे। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, तो देख लें। पी एम इक्वल टू डी आर टी जो हमारा इक्वेशन चेंज करके आया। अब कह रहे हैं कि अगर हम मान लिया जाए कि ऑपरेट कर रहे हैं दो गैस के लिए, तो गैस ए के लिए हम लिख सकते हैं, सॉरी गैस वन लिख देते हैं ताकि सिंबॉलिक में आगे दिख रहा हूं, गैस वन के लिए लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन पी वन एम वन इक्वल टू डी वन आर टी वन हो सकता है। हमें लगता है कि यहाँ किसी को समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो गैस वन के लिए उसका प्रेशर, उसका मोलर वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी आर तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, और टी वन उसके लिए जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड यूज करें, ठीक है। और अगर आपके पास दूसरा भी गैस उस समय हो तो गैस टू के लिए आप लिख सकते हो पी टू एन टू इक्वल टू डी टू आर टी टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसी भी तरह के फॉर्मेशन में कोई करेक्शन नहीं, केवल स्टैंड। और हमारे जो एवोगाड्रोस भाई साहब थे जिन्होंने कहा था कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, क्योंकि हम लोग एवोगाड्रोस लॉ के बाद ही इन सब इक्वेशंस पर वर्क करना शुरू करें, तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रखे तो इक्वेशन वन जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं पी एम वन, जिसे मान लें कि P1 और P2 को कांस्टेंट कर रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज बराबर P के, और दोनों वैल्यूज टेम्परेचर के T1 और T2 जब बराबर है तो उसे कह सकते हैं कि T1 इक्वल टू T2 जो है इक्वल टू T2, ठीक है। कांस्टेंट के लिए दोनों टर्म बराबर, और यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए दोनों टेम्परेचर टर्म बराबर, तो इक्वेशन को नए रूप में लिख रहा है पी एम वन इक्वल टू डी वन आर टी जो इक्वेशन ए, और हमारा दूसरा इक्वेशन रहा पी एम टू इक्वल टू डी टू आर टी जो इक्वेशन बी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम करें इक्वेशन ए बाय बी ऑपरेट, इक्वेशन ए बाय बी अगर हम ऐसा ऑपरेट करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, देखें ए बाय बी, तो हम कह सकते हैं कि पी एम वन बाय पी एम टू इक्वल टू डी वन आर टी डिवाइडेड बाय डी टू आर टी, ठीक है। और हम इस टर्म को अगर थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप मिल रहा है एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन बाय एम टू इक्वल टू डी वन बाय डी टू, ठीक है। कंडीशन क्या रखा गया, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक रिलेशनशिप आ रहा है कि दो डिफरेंट गैसेस, गैस वन और गैस टू के लिए डिफरेंट गैसेस के लिए उनके मोलर मास का रेशियो, यहाँ पर जो एम लिया गया है वह मोलर मास है, मतलब उनके मोलर मास का रेशियो उनके डेंसिटी रेशियो के इक्वल है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इक्वेशन को जिस तरह से लेकर के गए और इस तरह के पर्पस में हमारा एक ही पर्पस क्लियर हुआ कि हम डेंसिटी रेशियो को निकाल पा सकते हैं डायरेक्ट उनके मोलर वेट के रेशियो। हमें लगता है आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इस इक्वेशन को क्या लिख रहे हैं तो समझा लीजिए। हमारे पास अगर कंडीशन फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का है, कंडीशन हम
कह रहे हैं कि अगर फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर काम अगर कर रहे हैं, तो हम इससे पहले बोले थे कि ये V1 by V2 is equal to N1 by N2 जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें अगर कंडीशन फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर का मिलता है तो एक रिलेशनशिप ये कि वॉल्यूम रेशियो विल बी इक्वल टू दियर मोलर रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो। और आज की डेरिवेशन से हमें मिला कि उनके मोलर मास का रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दियर डेंसिटीज, ठीक है। तो ये हुआ कि मोलर मास का रेशियो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर उनके डेंसिटी रेशियो के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आप नोट कर लीजिए। अब एक टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो ये टर्म एक मैथमेटिकल रेशियो वैल्यूज है या फिर फ्रैक्शन वैल्यूज है जो हमें किसी एक गैस की डेंसिटी को दूसरे गैस के रेफरेंस में या रेस्पेक्ट में दिखाता है। तो आप बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी मतलब बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ वन गैस विथ रेस्पेक्ट टू द अदर गैस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो बोल सकते हो इट कैन बी डिफाइंड एज It can be defined as the density of gas A with respect to gas B, और गैस A और B के जगह पर गैस 1 और 2 भी लिख सकते हो, जो भी हो। तो relative density का मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ गैस ए विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस बी मतलब डी ए बाय डी बी। हमें नहीं लगता कि यह डेफिनेशन समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डेंसिटी है कि रिलेटिव डेंसिटी दो गैसेस के डेंसिटीज के रेशियो को दिखाई दे, ठीक है। और अगर हम इतना सब समझ गए तो आप बताइए, अभी हमने बताया था कि दो गैस अगर एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं तो उनके डेंसिटीज का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है। तो मोलर मास के रेशियो के बराबर आने का मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर डी ए बाय डी बी एम ए बाय एम बी होगा, जैसा कि अभी इक्वेशन हमारा है। और अगर ये बात हम कह रहे हैं कि ये जो टर्म है डी ए बाय डी बी, ये क्या है, कुछ और नहीं रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाता है, उनके मोलर मास के रेशियो के बराबर। आप किसी भी रिलेशन को यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके है, तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ले लें ताकि आपका अपना माइंड पर क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं। फाइंड द डेंसिटी ऑफ CN2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू N2 गैस एट STP। फाइंड द डेंसिटी ऑफ CN2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू N2 गैस एट NG। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने क्लियर हो तो हमसे कह रहा कि STP मतलब एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दे चुका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फटाफट रिमाइंड कर ले। तो STP का मतलब हो जाता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm
ठीक है, मतलब हम जो कंडीशन समझ रहे थे कि स्टैंडर्ड फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर का वो मिल गया, और हमसे पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन गैस आपका था, मतलब ये टर्म हमें पूछ रहा है कि क्लोरीन गैस की डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन गैस क्या है। तो आप बताओ कि ये टर्म एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर मोलर वेट ऑफ सीएल टू मोलर वेट ऑफ एन टू, मतलब डेंसिटीज का रेशियो मोलर वेट के रेशियो के बराबर है, और यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो मोलर वेट ऑफ सीएल टू दैट इज 71 और मोलर वेट ऑफ एन टू दैट इज 28, और यही रहा हमारा डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ही हल्के पार्ट है, इसलिए हम लोग आराम आराम से आगे निकलते चले जा रहे हैं। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटीएम प्रेशर। हमसे कह रहा है क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और फिक्स प्रेशर 2 एटीएम, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर हमें केवल इंडिकेट करने के लिए बोल रहा है कि फिक्स टेम्परेचर पर काम। तो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर हम गैसेस के डेंसिटीज के रेशियो या रिलेटिव डेंसिटीज को किस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एन टू विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एच टू, तो ये हो जाएगा मोलर वेट ऑफ एन टू विथ रिस्पेक्ट मोलर वेट ऑफ एच टू। हाइड्रोजन गैस का मोलर वेट, सॉरी नाइट्रोजन गैस का मोलर वेट हो जाएगा 28 और हाइड्रोजन गैस का मोलर वेट हो जाएगा 2, और इसे बोल सकते हैं कि ये आया 14। किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए ऐसा लगता है। अब यहां पर एक टर्म्स होगा जो हम समझ रिलेटिव गैस डेंसिटी जब भी आपसे बोले, और अगर रिलेटिव गैस डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बोलता है तो उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक स्पेशल टर्म आया जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ समथिंग या सम गैस, कोई भी गैस की बात कर रहा है, तो उसका मतलब है कि रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो हम पहले इस डेफिनेशन को लिख ले ताकि हमें कोई कंफ्यूज ना कर पाए कि क्या होता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी एक छोटा सा टॉपिक हेडिंग देंगे, वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी को लिखिए, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई कि वेपर डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और अगर हमसे पूछ रहा है कि इस टर्म को मैथमेटिकली दिखाइए, तो आप बताइए, मान लिया जाए कोई भी गैस है उसकी डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, आप डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस जो कि हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस विथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जो हमेशा ही ये आएगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर वेट होगी 2। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेपर डेंसिटी हमेशा मोलर वेट बाय 2 है। तो कभी कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम शॉर्टकट भी लिखते हैं कि वीडी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस
डिवाइडेड बाय सब कुछ ओके है, तो हम आज के सेशन को यहाँ पर ही रोकते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो वहां पर देखेंगे कैसे मिक्सर का हम मोलर वेट निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला के रिलेशनशिप को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम अगले वीडियोज में उसे इंक्लूड कर सकें, या फिर कमेंट में ही आप लोग रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।